हेलो एवरीबॉडी, इंडियन एयरफोर्स में एक भर्ती निकली है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। योग्यता 12वीं पास है और इसमें यदि वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें तो 33,100 रुपये है। और ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ महीनों में HSSC के या और भी अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उस भर्ती का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि आप ये दिए गए मैथ के टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो अपने ऐप के अंदर ये सभी टॉपिक की वीडियो आ चुकी है और मनोज सर के द्वारा ये कोर्स करवाया गया है। यदि आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। और यदि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में आई भर्ती के बारे में, क्या क्या इसमें डिटेल बताई गई है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती निकली है एक्स और वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। और 2020 का बैच है ये। यहाँ पर देखिए 2 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन फार्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं और 20 जनवरी तक इसके फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। और फरवरी 2020 में ही आपका जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम के लिए आ जाएगा। 19 से लेकर 23 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है। यदि हम इस फार्म को भरने की फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, SC ST के लिए भी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये फ़ीस आप इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया है ये वैकेंसी, कोई भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। चाहे आप हरियाणा के हैं, आप UP के हैं, आप BR के हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं इंडिया के, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि एज की बात की जाए तो 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका, तो दोस्तों आपका 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दी जाती है रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम पे स्केल की बात करें तो 33,100 रुपये दोस्तों एक बहुत अच्छा पे स्केल यहाँ पर बताया गया है। और एक्स की जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो अलग है। वाई की जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग है। तो यदि हम एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, हु हैव पास्ड देयर इंटरमीडिएट यानी कि प्लस टू लेवल एग्ज़ाम विद मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स और पास्ट 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स और 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद 50% मार्क विल बी कंसिडर फॉर दिस पोस्ट। यानी कि दोस्तों एक्स ग्रुप के जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए 12th पास होनी चाहिए और आपके पास मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट प्लस टू क्लास में होने चाहिए, 50% नंबर ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा हो या आपने 2 साल का वोकेशन कोर्स कहीं कर रखा हो, लेकिन दोस्तों सभी में 50% की कंडीशन तो रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में जो वाई ग्रुप की क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर इंटरमीडिएट प्लस टू लेवल एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड स्कोर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश और हैविंग वोकेशन कोर्स। और जो वाई ग्रुप है दोस्तों उसमें आपने किसी भी स्ट्रीम से प्लस टू पास कर रखी है, 50% नंबर है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 50% वाई और एक्स दोनों में ज़रूरी है। एक्स में आपकी मेडिकल, नॉन मेडिकल वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और वाई में आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, आपने आर्ट से, कॉमर्स से, ठीक है, साइंस से, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अप्लाई कैसे करोगे, तो ये फार्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका डायरेक्ट अप्लाई करने का। और 20 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फार्म भरते समय, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट प्लस टू की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास हो, सिग्नेचर आपके पास हो, लेफ्ट थंब
इम्प्रेशन आपका स्कैन किया होना चाहिए और कैंडिडेट्स पेरेंट्स इमेज, ठीक है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या दोस्तों, इसमें पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। ये दो स्टेप आपके होते हैं, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 जनवरी 2020 से लिंक एक्टिवेट हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अपना फॉर्म कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, अपना आगे फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भर्ती है दोस्तों लगभग हर साल निकाली जाती है एक्स और वाई ग्रुप की, ठीक है, और अच्छी लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं। और इस बार आपके लिए गोल्डन चांस है, यदि आपकी आयु और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक्स वाई ग्रुप इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी भर्ती, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो अपनी यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप आगे भी नौकरियों से जुड़ी संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।